ये वीडियो स्पेशली बंगालियों के लिए। बंगालियों को लगते हैं हम आजाद हो गए, तुम लोगों पे अल्लाह का अजाब आ गया, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम लोग टकोरा लेके घूमोगे। जो पाकिस्तान की हालत हो गई ना, भीख मांग रहे हैं, तो वो आप लोग वेट करो, 2 महीना वेट करो, तुम लोग भी टकोरा लेके घूमोगे। तुम लोगों को लगता है आजाद हो गए, वो आज तक बांग्लादेश में किसी लीडर ने करा नहीं है जो शेख हसीना ने करा है। शेख हसीना जैसा लीडर आप लोगों को अभी लाइफ में नहीं मिलने वाला। तुम लोगों को शर्म भी नहीं है, घर भी लूट लिया, और इतना भी शर्म नहीं है तुम लोगों को, बंगालियों ब्रात तक लूट लिया, और ब्रात तक इंटरनेट पे आप लोग उसको दिखा रहे। तुम लोगों को भी माँ बहन है घर में, बस लूटने में लगे है उसके घर को। उसने तो इंटरव्यू दे दिया, मैं दोबारा सियासत में नहीं आऊंगी। तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक। तुम लोगों का अल्लाह का अजाब आया, 2 महीना वेट करो, भीख मांगोगे भीख। टक्का बंगालियों को अच्छे से पता है टक्का क्या होता है। मुझे लगा था बंगालियों का दिमाग इधर होगा, तुम लोगों को बहन चो घुटनों में है। नया बांग्लादेश नहीं है, नया कंगलादेश, कंगलादेश, बांग्लादेश नहीं है, कंगलादेश, कंगला। साला तुम लोगों में दिमाग ही नहीं है भाई। शेख हसीना को मेरी तरफ से सलूट है, तुम लोगों ने उसको मजबूर कर दिया सालों देश छोड़ने पे। बट बात यह है, तुम लोगों को जल्दी पता चलेगा शेख हसीना क्या थी और क्या लीडर थी, जल्दी पता चलेगा। क्योंकि तुम लोगों दो महीने के बाद तुम लोग रोड पे होंगे बंगाली। ओ गुड लक, ऑल द बेस्ट भिखारी बनने के लिए। और शेख हसीना को मेरी तरफ से सलूट है, ऐसी सच्चा ईमानदार।